खबरी जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है और न ही राजनीतिक दल है, वे सिर्फ चाटुकार की और दरबारियों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार को स्थापित करती है, उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस द्वारा दिल्ली में किया जा रहा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि महंगाई सीजनल होती है। अगर हम यूपीए सरकार की बात करें तो उस समय से आज महंगाई कम है, ब्रिटेन से ज्यादा भारत की इकोनॉमी सशक्त और मजबूत है। देखिए, कांग्रेस जो है वो कोई पार्टी तो है नहीं है, और जब पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो ऐसे जो दल होते हैं वो चाटुकारों के आधार पर ही चलते हैं, और चाटुकारों के कारण कांग्रेस की ये हालत आज देश में हुई है। तो जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है, कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, हालांकि वो करेंगे नहीं, पर कुल मिला के कांग्रेस का एक एजेंडा है कि कैसे गांधी परिवार को स्थापित किया जाए। इसके अलावा ना उनको देश से मतलब है, ना बाकी किसी से मतलब है। गांधी परिवार को स्थापित करके और उनके नाम पर राज करें, ये कांग्रेस का लक्ष्य। सर, आज महंगाई को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन है, पूरे देश भर से कांग्रेस ही गए, मध्य प्रदेश से भी टारगेट दिया गया था, यहाँ से भी नेता और विधायक गए। देखिए, महंगाई जो है, महंगाई हम सब जानते हैं कि कुछ महंगाई ऐसी होती है जो सीजनल होती है। महंगाई की अगर बात हम करेंगे तो यूपीए सरकार के समय जो महंगाई थी उससे आज कई कम गुना कम महंगाई आज है। और कुछ चीज़ों पे जब यूरोप और यूरोप कंट्रीज़ में या रूस या यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इससे भी कुछ चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, अनेक चीज़ें आयोजित होती हैं, परंतु उसके बाद भी कोरोना काल के बावजूद भी आज का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रिटेन से भी ऊपर इकनॉमी हमारे मध्य प्रदेश, हमारे देश की इकनॉमी जो है वो ब्रिटेन से भी ऊपर है। तो हमारे चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो चाहे बाकी चीज़ें हो, इस सबसे आर्थिक रूप से भारत बहुत सशक्त और मजबूत है, और अन्य राज्यों देशों जैसी चुनौतियाँ हम लोगों के सामने नहीं। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.